नमस्कार, मैं नीतू लेकर हाजिर हूँ विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह विकास के विविध पहलुओं से हम आपको रूबरू करवाते हैं, पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आयोजनों की तस्वीर, ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुँच सके जन जन तक। तो लीजिए पेश है हिमाचल विकास डायरी। शिमला में गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न श्रेणियों के 320 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया। राज्य के बागवानों को राहत प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 2022 से HPMC या खुले बाजार से खरीदी गई पैकेजिंग सामग्री कार्टन और ट्रे पर 6% सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान। बैठक में मंडी जिला के नेरचौक में स्थित लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल के परिसर में किए गए निर्माण को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में अनेकों पदों को भरने का भी फैसला किया। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने ऐतिहासिक चंबा चौगान से हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्षों के उपलक्ष पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष का शुभारंभ किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, चंबा के इस ऐतिहासिक मिंजर के मेले के समापन समारोह पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ पूरा देश जो है आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी के 75 सालों का उत्सव मना रहा, वहाँ हिमाचल प्रदेश के लिए हमारी ये प्रसन्नता है कि हम भी हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आने के पश्चात 75 वर्ष मना रहे। और हमने ये तय किया कि अब की बार इस 75 वर्ष की 75 ईयर की इस यात्रा का जो हमें कार्यक्रम आने वाले समय के लिए निर्धारित करके आए हैं कि हिमाचल के सभी विधानसभा क्षेत्र में हम 75 कार्यक्रम करेंगे, जहां हिमाचल की इस यात्रा का जिक्र लोगों के बीच में हो। और मैं समझता हूं सबसे ज्यादा जागरूक इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए किसी का योगदान रहा है वो हिमाचल के हमारे मेहनतकश भाई और बहनों का रहा है, जिन्होंने परिश्रम करके मेहनत करके हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन तक निछावर कर दिया। कठिन परिस्थितियों का ये हिमाचल प्रदेश आज विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए एक अलग मुकाम पर अलग पहचान के साथ खड़ा है। श्रेय अगर जाता है तो हिमाचल के हर नागरिक को जाता है, हर बुजुर्ग को जाता है, माता बहनों को जाता है, जिन्हें संघर्ष भरे पूर्ण जीवन व्यतीत करने के पश्चात हिमाचल को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अनेकों योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए। शिमला में गत दिनों हिमाचल निर्माता और प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 116वीं जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर परमार के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तथा हिमाचल निर्माता के जीवन और कार्यों पर आधारित एक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार न केवल हिमाचल प्रदेश के निर्माता थे, बल्कि उन्होंने प्रदेश के विकास की मजबूत नींव भी रखी थी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा, डॉक्टर YS परमार की 116वीं जयंती के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर YS परमार को हमें हिमाचल निर्माता के रूप में कहा, अगर हिमाचल निर्माता के रूप में कहा है तो स्वाभाविक रूप से उसके पीछे एक भाव है कि हिमाचल के निर्माण की उनकी एक निर्णायक भूमिका है। लोगों की भावनाओं को जानना, लोगों के बीच में बैठना, लोगों की समस्याओं को सुनना, उनका समाधान करने की दृष्टि से काम करना, इन सारी चीजों को लेकर के उस वक्त के जो हालात की परिस्थितियां थी वो कठिन थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो बेहतर किया जा सकता था वो करने का उन्होंने प्रयत्न किया और 18 वर्ष तक इस प्रदेश का नेतृत्व के बतौर मुख्यमंत्री। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिला के बैजनाथ में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय लाभार्थी सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री शगुन योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। गरीब लोगों का हमें स्नेह भी मिला है, सहयोग मिला है, प्यार भी मिला है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब
लेकिन गरीब होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि मनुष्य का कोई अपना अरमान नहीं होता, लेकिन एक गरीब आदमी इस प्रकार का भाव सोचता, मैं अपनी बेटे की शादी अपनी बेटी की शादी करूं, तो उसके लिए पैसे का प्रावधान कैसे हो सकता है, मदद कहां से मिल सकती। गरीब है लेकिन भावना उसमें एक ही हो जाती, एक ही होती है कि मेरी बेटी मेरे घर से रुखसत हो रही है, वो वहां पर सुखी रहे, आराम से रहे, ऐसी भावना सदैव हर व्यक्ति की होती। ऐसे में हमने कहा कि हम ऐसे लोगों के लिए विचार करके मदद क्या कर सकते, कि हमको कोई योजना की शुरुआत करनी चाहिए और उस योजना के अंतर्गत जिस दिन उस गरीब माँ बाप की उस बेटी की शादी है उसको आशीर्वाद भी दें और आशीर्वाद के साथ साथ में हम सरकार की ओर से उसको शगुन के रूप में 31,000 रुपए दें। इस बात का निर्णय हमारी सरकार ने किया और आज मुझे इस बात की खुशी है उस योजना की आज विधिवत हमने यहाँ पर हुआ। मुख्यमंत्री ने बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में 240 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास भी किए। गत दिनों सप्ताह भर चलने वाले चंबा के राष्ट्रीय मिंजर महोत्सव का विधिवत समापन हुआ। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने समापन समारोह के अवसर पर अखंड चंडी महल से मंजरी बाग तक निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में भाग लिया और लाल कपड़े में बंधे नारियल, सिक्के और फल इत्यादि से तैयार मिंजर रावी नदी में प्रवाहित किया। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित स्थानीय लोगों, नाट्य दलों, बजंतरियों, पुलिस व गृह रक्षक बैंड और पर्यटकों के साथ निकाली गई भव्य शोभा यात्रा की अगवानी की। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। नए अंक के साथ अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।